So we are moving towards our next destination. पॉटरी से रिलेटेड जो हैंडमेड प्रोडक्ट हैंडीक्राफ्ट यहाँ बन रहे हैं वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। खाकानी विलेज में हैं हम लोग अभी। इब्राहिम हैदर अली भैया जो है हमें मिले हैं, उनकी पहचान वाले ही यहाँ पे एक पॉटर हैं, तो उनसे मिलने जा रहे हैं। देखेंगे वहाँ पे कि पॉटरी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें इफ़ पॉसिबल वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अपना हैंड आजमाएंगे पॉटरी में कि क्या है हमारे लिए वहाँ पे। So let's check it out. हेलो भैया, आपका ही शॉप है भैया? हाँ जी। सो ये सारे भैया यहीं पे बनाए आपने? हाँ, सब यहीं बनता है। ये दिए हैं नई के लिए, ये भी दिए दिक्कत दे रही है आप। मैजिक लैंप जो मैंने सुना था, हम देखेंगे। वही है, ये ऑयल लैंप दिया है। ऑयल लैंप ही है, इधर से ऑयल डाल सकते हो, इधर से भी ऑयल डाल सकते हो। दो उसमें जगह है, दोनों से ऑयल डाल सकते हैं। अभी भैया इसमें पानी, नीचे से पानी डाल रहे हैं उसमें। पानी डाल दिया, वापस उल्टा करेंगे, बाहर नहीं है, बाहर नहीं आएगा। ये हो गया मैजिक, मैजिक लैंप बोलते हैं। बाहर नहीं एब्जॉर्ब हो गया कहीं और, नहीं ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, अंदर आ रहा है वो। ऑयल लैंप है तो उसकी जगह ऑयल डाल के उसको दिया लगा सकते हैं। वापस उसको ऐसे करेंगे तब बाहर आएगा। ये हो गया अलादीन मैजिक लैंप ऑफ अलादीन, आबरा का डाबरा, अलादीन मैजिक लैंप ऑफ इंडिया। और इसमें आप ऑयल डाल दो 20 ग्राम कुकिंग ऑयल, ओके, बत्ती डाल के जला दीजिए लाइट के लिए, 10-15 घंटा तक चलता रहेगा। ये वाली वाट आती है, इसमें ऐसे डाल के फिर फायर कर दो, फिर जलता रहेगा। इमरजेंसी लाइट, टी लाइट, कैंडल लाइट, मिनिमम 10-15 आवर्स चलेगा। 10-15 आवर्स चलेगा। तेल नीचे से डालना है और जलेगा ऊपर से? दोनों टाइप से डाल सकते हैं, इधर से इधर, जो इजी रहता है। ये पहले गांव में लोग यूज लेते थे लाइट के। ओके, तो कितने का मिलता है भैया ये? अलग अलग रेट वाले सर, 100 से लेकर 50 से लेकर 150 तक। 50 से 150 तक, 50-100-150। सो दैट वाज द मैजिक लैंप। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डेकोरेशन के लिए भी है, भगवान की भी मूर्तियाँ हैं, कुछ डेकोरेशन का आइटम है, विंड चाइम एंड ऑल। फिर इज द प्लेस जहाँ पे वो पूरा सर्कल घुमा के उसको बनाया जाता है। हाँ, परसों तो फैसला था उसका। हाँ, 3 किलोमीटर दूर ही पॉइंट है जहाँ पे सलमान भाई ने शिकार किया था। 2 किलोमीटर काकणी गांव यही है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर गांव है, मतलब जंगल के अंदर, जंगल वहाँ पे किया था। तो केजराली गांव में उन्होंने बताया था कि वो गाड़ी लेके भाग गया। नहीं नहीं, अटू नहीं भाग गया, अटू ही भाग गया, अटू इधर भागा, इधर पीछे बिश्नोई ने बुलेट लगाई, बुलेट से वो नंबर देख लिया, क्योंकि उसके पास भी वो
पानी हाँ। वो विष्णु डर गया कि गोली चला देगा हाँ। नंबर देख लिया वो पकड़ लिया बराबर। हाँ तो विष्णु वाले लोग तो वैसे भी बहुत ज्यादा उनको बचाते हैं प्रोटेक्ट करते हैं। विष्णु ही शिकार नहीं करे और वो रहते ही विष्णु की जगह वो बचाते हैं विष्णु ही सारे। सो गाइस दैट वाज द रियल हैंडीक्राफ्ट ऑफ राजस्थान और कनानी विलेज हाँ ककानी विलेज जो कि जोधपुर से आएगा 30 किलोमीटर्स होगा 30 प्लस माइनस 10। और अगर आप जो ये व्लॉग हमारे देखें इसको देखना चाहते हैं तो हाईवे पे ही है, दिस इज़ दी स्टेट हाईवे जस्ट राइट बिहाइंड मी और आप डायरेक्ट आके ही यहाँ पे किसी से पूछ सकते हैं। तो और भी इस तरह के दरी उद्योग आपको मिलेंगे, ब्लॉक प्रिंटिंग की चीज़ें मिलेंगी और जो पॉटरी है उससे रिलेटेड उद्योग सारे मिलेंगे। सो दैट वॉज द रियल साइड ऑफ द हैंडीक्राफ्ट ऑफ राजस्थान और हैंडीक्राफ्ट ऑफ जोधपुर मोर स्पेसिफिकली। सो गाइज आप बताइए सारे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आपको, कैसे लग रहे हैं सारे वीडियो आपके लिए। हम लोग घूम रहे हैं सुबह से और वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब जरूर से बनता है। एक और अच्छी अच्छी वीडियो यस और भी हम लोग ऐसी जगह सारी एक्सप्लोर करके आपके सामने ये सारी साइड लेके आएंगे। सो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और अच्छे कंटेंट के साथ। जुड़े रहिए परमानेंट पैसेंजर के साथ, बने रहिए परमानेंट पैसेंजर्स।